दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, उसको 2010 में ऑस्कर के कई अलग अलग कैटेगरीज में नॉमिनेशंस मिले थे, जिसमें से उसने अपने नाम कुल 4 ऑस्कर्स किए थे। मूवी की स्टोरी ही इसकी असली जान है, जो पहले तो ऐसा महसूस करवाती है जैसा कि सिर्फ ये एक मोटिवेशनल मूवी होगी, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे जाती है उसमें ऐसे ट्विस्ट और मोमेंट्स आ जाते हैं जो हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। इस मूवी को इतना प्यार इसलिए भी मिला क्योंकि ये दो भाइयों की सच्ची कहानी है। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1993 में मैसाचुसेट्स के लॉयल शहर से, जहां हम कैमरे के सामने डिकी नाम के एक रिटायर्ड बॉक्सर को देखते हैं, जिस पर HBO चैनल एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। डिकी कैमरा पर अपनी फैमिली और बचपन के इंसिडेंट्स बताता है और डिस्कस करता है कि कैसे वो 1978 में शुगर रे नाम के एक फेमस बॉक्सर को भी नॉकआउट कर चुका है। इसी बीच हम डिकी के छोटे भाई मिकी को देखते हैं, जो उसके साथ आकर बैठता है। डिकी बताता है कि वो अपने छोटे भाई मिकी को बचपन से ही बॉक्सिंग सिखा रहा है और उसे यकीन है कि उसका भाई एक दिन बॉक्सिंग में अमेरिका को रिप्रेजेंट करेगा। कैमरा क्रू अगले कुछ दिनों तक दोनों भाइयों को फॉलो करता है और उनका शहर के लोगों से इंटरेक्शन और बॉक्सिंग प्रैक्टिस भी रिकॉर्ड करता है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि डिकी अपने छोटे भाई की तरह उतना हेल्दी और फिट नहीं है। मिकी की नेक्स्ट फाइट अटलांटिक सिटी में होती है, जिसके लिए वो ट्रेनिंग की तैयारी कर रहा होता है, पर सुबह के 11 बजे तक भी डिकी उसे ट्रेन करने बॉक्सिंग जिम में नहीं आया होता। कैमरा क्रू के सामने अपने भाई की एब्सेंट में मिकी बेहद ही अकेला फील कर रहा होता है, इसलिए ओ कीफ नाम का एक रिटायर्ड बॉक्सर जो कि अब एक पुलिस वाला होता है, वो मिकी की ट्रेनिंग शुरू करवाता है। ओ कीफ का मिकी को ट्रेन करना मिकी की माँ एलिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसका बड़ा बेटा डिकी ही इस जिम का असली बॉक्सिंग कोच है और वही मिकी को सही से ट्रेन कर सकता है। अब इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि शहर के दूसरी तरफ डिकी अपने फ्रेंड्स के साथ क्रैक कोकेन ले रहा होता है। नशे में उसे याद भी नहीं होता कि उसे आज अपने छोटे भाई को ट्रेन करने जाना था, और तभी उसके फ्रेंड्स उसे याद दिलाते हैं कि आज सुबह 9 बजे तो उसे अपने भाई की प्रैक्टिस पर जाना था और वो काफी लेट है। अब डिकी फौरन वहां से कार की तरफ भागता है, लेकिन वहां कोई कार ना होने की वजह से वो जिम तक भाग के पहुंचता है और उसका ये बिहेवियर भी कैमरा क्रू वाले नोटिस करते हैं। खैर, अब कुछ समय बाद अटलांटिक सिटी की फाइट का दिन आखिर आ जाता है, और वहां जाने से पहले भी जब सब लोग कार लेकर एयरपोर्ट जाने का वेट कर रहे होते हैं, तब भी डिकी वहां नहीं होता। तभी ओ कीफ कहता है कि डिकी जरूर क्रैक हाउस में कोकेन ले रहा होगा, क्योंकि वो लाइफ में किसी भी चीज के लिए सीरियस नहीं है। ये सुनकर मिकी चुपचाप उसे लेने अपने पेरेंट्स के साथ क्रैक हाउस जाता है। वहां डिकी अपने पेरेंट्स को नीचे देखकर उस घर के फर्स्ट फ्लोर से नीचे छलांग मार देता है, पर तभी वहां मिकी आ जाता है जो उसे समझाता है कि भाई, आपको एम्बेरेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा आपकी ड्रग प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं। इसके बाद वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि डिकी उनके साथ जल्दी से एयरपोर्ट के लिए निकले ताकि वो फ्लाइट के लिए लेट ना हो। अब डिकी अपने आप को कंफर्टेबल करके ठीक ऐसा ही करता है। फिर अटलांटिक सिटी पहुंचने के बाद फाइट से कुछ देर पहले मिकी को पता चलता है कि जिस बॉक्सर से वो फाइट करने वाला था वो इस वक्त बीमार है, इसलिए उसकी जगह अब उसे एक नए बॉक्सर से लड़ना पड़ेगा जो उससे वेट में काफी ज्यादा है। मिकी इस फाइट के लिए बिल्कुल भी श्योर नहीं होता, पर उसकी माँ एलिस और डिकी उसे यकीन दिलाते हैं कि वो इस फाइटर से लड़ पाएगा, क्योंकि वो फाइटर अभी रिसेंटली ही जेल से छूटा है और इस वक्त वो अच्छी शेप और फॉर्म में नहीं है। उनकी बात मान के मिकी फाइट के लिए मान जाता है, पर रिंग में आकर वो देखता है कि उसका अपोनेंट एक काफी भारी भरकम और फिट फाइटर है। खैर, फिर फाइट शुरू होती है और वो फाइटर मिकी पे भारी पड़ता है और उसे बेहद बुरी तरह से मार खाकर हार का सामना करना पड़ता है। इस फाइट के बाद माइक टोमा नाम का एक बड़े स्पोर्ट्स का ब्रांड मैनेजर मिकी से मिलता है और कहता है कि मिकी, तुम्हारे अंदर काफी पोटेंशियल है और इसलिए तुम्हें अपने ड्रग एडिक्ट भाई की कोचिंग छोड़कर लॉस वेगस में मेरे बॉक्सिंग क्रू को ज्वाइन करना चाहिए, जिस बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए वो उसे हर महीने सैलरी भी देगा। मिकी अचानक ये सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन वो इस तरह फैसला नहीं कर सकता, इसलिए वो कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। अब अटलांटिक सिटी से वापस आते हुए मिकी नोटिस करता है कि उसकी माँ और डिकी ड्रिंक करके एंजॉय कर रहे हैं और उन्हें उसके चोटिल चेहरे और फाइट हारने का कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। मिकी कुछ दिनों के लिए बॉक्सिंग और अपने फैमिली से ब्रेक लेता है और अपनी नई गर्लफ्रेंड शर्लिन से मिलता है। उसकी फाइट के बारे में सुनकर शर्लिन उसे कहती है कि उसे लॉस वेगस जाकर ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि एलिस और डिकी उसके बॉक्सिंग करियर को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। साथ ही आज से कुछ सालों बाद उसे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी भी दोबारा नहीं मिलने वाली।
मिकी की डिकी के सिवा सात बहनें होती हैं, जो अपनी माँ एलिस को शर्लिन के खिलाफ भड़काने लगती हैं। वो कहती हैं कि मिकी अब शर्लिन के साथ रहने लगा है, इसलिए बॉक्सिंग और हमसे दूर हो गया है। जिसके बाद एलिस अपने हस्बैंड जॉर्ज और सारे बच्चों के साथ मिकी और शर्लिन को अपने घर एक मीटिंग के लिए बुलाते हैं। एलिस कहती है कि उसने मिकी के लिए एक नई फाइट अरेंज की है, पर मिकी कहता है कि अब वो ये छोटी फाइट्स नहीं लड़ना चाहता और वो लास वेगास जाकर ट्रेनिंग करना चाहता है, क्योंकि यहाँ कोई उसकी बॉक्सिंग को लेकर सीरियस नहीं है। मिकी कहता है कि यहाँ फाइट्स करके वो कुछ अर्न भी नहीं कर रहा और वहाँ ट्रेनिंग और बॉक्सिंग मैचेस के लिए उसे पैसे भी मिलेंगे। जिस पर डिकी अपने भाई से फैमिली ना छोड़ के उसके साथ ट्रेनिंग करते रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि लास वेगास वाले तुम्हें जो भी सैलरी देंगे उतने पैसे तुम हर महीने मुझसे ले लेना, लेकिन फैमिली छोड़कर मत जाओ। अब सभी को तुम्हारी जरूरत है, सिर्फ फाइटिंग की बात नहीं, तुम इस फैमिली का हिस्सा हो, मेरे छोटे भाई हो। अब मिकी अपने बड़े भाई की बात सुनकर रुकने का फैसला लेता है, पर डिकी के पास कोई जॉब नहीं होती और वो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ बस ड्रग लेता रहता है। इसलिए वो पैसे अरेंज करने के लिए एक फैमिली को एक लॉटरी स्कीम में इन्वेस्ट करवाकर स्कैम करने की कोशिश करता है, पर जब उसे वहां से पैसे नहीं मिलते तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को फेक प्रोस्टिट्यूशन के लिए भेजता है, ताकि लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ले सके। डिकी अपने फ्रेंड के साथ एक गाड़ी में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड को उसके क्लाइंट्स के साथ फॉलो करने लगता है और एक पुलिस वाला होने की एक्टिंग करके एक खाली जगह पर उस आदमी को लूटने लगता है। पर तभी वहाँ असली पुलिस आ जाती है और डिकी की गर्लफ्रेंड और उसके फ्रेंड को पकड़ लेती है। अब डिकी पुलिस से भागने लगता है और भागते भागते डिकी उस क्लब के बाहर आ जाता है, जहाँ आज उसकी पूरी फैमिली के साथ मिकी और शर्लिन भी डिनर करने आए होते हैं। क्लब के बाहर डिकी पुलिस वालों से हाथापाई करने लगता है और इसी बीच वो एक पुलिस वाले के मुंह पर पंच मारता है, जिसके तुरंत बाद और पुलिस वाले भी वहां आ जाते हैं और एक पुलिस वाले पर हाथ उठाने के लिए वो सब डिकी को पीटने लगते हैं। शोर सुनकर मिकी और सारी फैमिली बाहर आ जाती है और अपने भाई को पीटते हुए देखकर मिकी पुलिस वालों को रोकने लगता है और गुस्से में पुलिस वाले मिकी को भी सबके सामने पीटने लगते हैं। शहर का ही एक पुलिस वाला, जिसे पता होता है कि मिकी एक बॉक्सर है, वो जानबूझकर मिकी का एक हाथ तोड़ देता है और फिर पुलिस डिकी के साथ मिकी को भी अरेस्ट कर लेती है। कोर्ट में डिकी सभी को बताता है कि उसका भाई बेकसूर है और उसका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मिकी को बेल मिल जाती है। पर डिकी को ड्रग्स लेकर चोरी करने और पुलिस पर अटैक करने के लिए कई सालों की सजा होती है। इसके बाद मिकी अपने भाई से सारे रिश्ते तोड़ लेता है, क्योंकि डिकी और उसकी ड्रग प्रॉब्लम की वजह से वो कभी अपनी बॉक्सिंग पर अब फोकस नहीं कर पाएगा। खैर, अब डिकी वहां से जेल चला जाता है, जहां जेल में ड्रग्स ना मिलने की वजह से उसे विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं और उसकी तबीयत भी काफी बिगड़ जाती है। कुछ दिनों बाद HBO की वो डिकी पर बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री TV पर रिलीज होती है, जिस वजह से डिकी की सभी कैदियों के बीच में पॉपुलैरिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि रॉकी जैसी कोई मूवी उसके ऊपर बनाई जाएगी। पर डिकी पर हुए केस का फायदा उठाते हुए अब ब्रॉडकास्टर्स कुछ उल्टा करते हैं, ताकि उन्हें कंट्रोवर्सी करके कुछ ज्यादा अर्निंग्स हो सके। वो डॉक्यूमेंट्री डिकी के बॉक्सिंग कमबैक के बारे में नहीं, बल्कि अमेरिका के क्रैक कोकेन एडिक्शन के बारे में होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे उसने क्रैक कोकेन की वजह से अपना बॉक्सिंग करियर और अपनी फैमिली का नाम खराब कर दिया। अब ये डॉक्यूमेंट्री बाहर भी सब लोग देख रहे होते हैं और एलिस के साथ साथ डिकी की सारी बहनें और मिकी भी यह देखकर बेहद दुखी होता है। सभी को मेकर्स पर बहुत ही गुस्सा आता है। डॉक्यूमेंट्री के बीच में ही डिकी शर्मिंदा होकर एक हारे हुए इंसान की तरह फील करने लगता है और वो गुस्से में जेल का कॉमन TV भी बंद कर देता है और बाकी कैदियों से भी लड़ने लगता है, जो उस डॉक्यूमेंट्री को पूरा देखने की जिद कर रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। बाहर शर्लिन मिकी को अपने भाई से दूर रहकर और उसके बारे में ना सोचकर अपनी बॉक्सिंग पर फोकस करने के लिए बोलती है, क्योंकि डिकी अपनी लाइफ ड्रग्स और जेल में खराब कर चुका है, इसलिए वो अब उसे कुछ नया नहीं सिखा सकता। मिकी का फादर जॉर्ज भी मानता है कि एलिस और डिकी का साथ मिकी की बॉक्सिंग के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए वो भी उसे उन दोनों से दूर रहने के लिए कहता है। जॉर्ज के कहने पर ओकीफ मिकी का नया ट्रेनर बन जाता है और जल्द ही मिकी का इंजर्ड हाथ भी ठीक होने लगता है, जिसके बाद वो सब भूल के सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देने लगता है। मिकी अब अपनी माँ एलिस की जगह सेल नाम के एक आदमी को अपना मैनेजर असाइन कर लेता है। शार्लिन, ओकीफ और सेल तीनों इसी शर्त पर मिकी की टीम में आते हैं कि मिकी फिर कभी अपने भाई डिकी या माँ एलिस को अपनी बॉक्सिंग के बीच में नहीं आने देगा। मिकी पहले इस बारे में सोचता है। वो बचपन से लेकर अब तक की सारी मेमोरीज को याद करने लगता है। दरअसल उसे पता है कि उसका भाई गलत नहीं है, वो उसको आगे ही बढ़ाना चाहता है, पर नशा उसकी मजबूरी बन चुका है, इसलिए आखिर में मिकी सभी की बात मान जाता है। अब उसकी माँ एलिस को जब पता चलता है कि मिकी ने अपना मैनेजर और ट्रेनर बदल लिया है,
तो वो अपने हस्बैंड जॉर्ज पर बेहद गुस्सा होती है और अपनी बेटियों के साथ मिक्की के घर चली जाती है, जहां मिक्की की बहनें शार्लिन से लड़ने लगती हैं और मिक्की बेहद ही मुश्किल से इस हाथापाई को रोकता है और इसके बाद वो अपनी माँ से भी बात करना बंद कर देता है। मिक्की का नया मैनेजर और टीम उसके लिए अब नए बेटर बॉक्सिंग मैचेस अरेंज करते हैं और मिक्की अपनी मेहनत से एक के बाद एक चार बॉक्सिंग मैचेस जीत जाता है और इन मैचेस के बाद उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। उधर जेल में लंबे समय से नशा ना कर पाने के कारण डिक्की भी ड्रग्स छोड़ चुका होता है और अपनी फिटनेस पर ध्यान देने लगता है। कुछ दिनों बाद मिक्की को माइक टोमा के ग्रुप से एक मशहूर मैक्सिकन बॉक्सर से लड़ने का चैलेंज आता है, जिस न्यूज को शेयर करने के लिए मिक्की डिक्की से मिलने जेल जाता है। डिक्की ने इस बॉक्सर की फाइटिंग पैटर्न को ऑब्जर्व किया होता है, इसलिए वो मिक्की को बिना अटैक करे पहले बॉक्सर को थकाने के लिए कहता है, पर मिक्की धीरे से कहता है कि अब वो नहीं बल्कि ओकीफ उसका कोच है, इसलिए वो वैसे ही लड़ेगा जैसे ओकीफ कहेगा। वो डिक्की को कहता है कि भाई, अगर आप इतने ही अच्छे ट्रेनर थे तो आपने ड्रग्स को छोड़कर मुझे ट्रेन क्यों नहीं किया। डिक्की अपनी गलती मानता है और फिर वो बताने लगता है कि वो कई महीनों पहले ही ड्रग्स छोड़ चुका है, पर मिक्की उसकी पूरी बात सुने बिना ही वहां से चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका भाई उसकी सक्सेस से जल रहा है। फाइट वाली रात को जब मिक्की का उस मैक्सिकन फाइटर से सामना होता है तो पहले ही राउंड में वो समझ जाता है कि सामने वाला बॉक्सर बेहद स्ट्रांग है। फाइट के बीच काफी कुछ करने के बाद भी वो उसके सामने पॉइंट्स नहीं कलेक्ट कर पा रहा होता, पर तभी उसे अपने बड़े भाई डिक्की की बात याद आती है, इसलिए वो ओकीफ की स्ट्रेटेजी को छोड़कर डिक्की का बताया हुआ प्लान फॉलो करने लगता है और 5 राउंड्स तक सिर्फ खुद को डिफेंड करके बॉक्सर से मार खाता रहता है। अब धीरे धीरे ऑडियंस भी बोर होने लगती है और जब सभी लोग श्योर होते हैं कि मिक्की ये फाइट हार जाएगा, डिक्की भी जेल के अंदर से एलिस से फोन पर बात कर रहा होता है, जो उसे बता रही होती है कि मिक्की ये फाइट हार रहा है। लेकिन तभी डिक्की उसे भरोसा रखने को बोलता है और बोलता है, माँ तुम फिक्र मत करो, मिक्की हार नहीं रहा बल्कि सामने वाले फाइटर को हरा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसी प्लान के अकॉर्डिंग अपने अपोनेंट को थका हुआ देखकर मिक्की फेस और साइड पंचेस मार के उसको नॉकआउट कर देता है और इस जीत से सारी मीडिया और ऑडियंस एकदम से चौंक जाते हैं। इस जीत को देखकर जेल में डिक्की, जेल के गार्ड्स और बाकी कैदी भी उसके भाई के इस मैच का जश्न मनाते हैं और इसी जीत के साथ मिक्की लंदन में होने वाले बॉक्सिंग के वर्ल्ड फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर जाता है। अब कुछ दिनों बाद जब डिक्की जेल से पेरोल पर बाहर आता है तो एलिस उसे पिक करने जाती है। डिक्की के दिमाग में इस वक्त सिर्फ अपना भाई चल रहा होता है। उसे पता था कि पिछली बार उसने अपने छोटे भाई के करियर को बिगाड़ दिया, लेकिन इस बार वो उसको आगे बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो पहले मिक्की के बारे में पूछता है और फिर वहाँ से सीधा मिक्की के जिम में आ जाता है। मिक्की वहाँ अपनी फाइट के लिए ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी डिक्की बिना कुछ कहे पहले की तरह लॉकर रूम में जाकर अपने बॉक्सिंग ग्लव्स पहनने लगता है ताकि बॉक्सिंग रिंग में आकर उसे ट्रेन कर सके। लेकिन उसे ऐसा करते देख मिक्की कहता है कि भाई, अब आप मेरे ट्रेनर नहीं हो और मैंने अपनी टीम से प्रॉमिस किया है कि मैं दोबारा कभी आपके साथ ट्रेनिंग नहीं करूंगा। अपने भाई के मुंह से ये बात सुनकर डिक्की टूट जाता है और गुस्से में वो अपने लॉकर को पंच करके वहाँ से जाने लगता है। वो इस वक्त काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि मिक्की उससे ऐसा कुछ कभी कहेगा। उसे लग रहा था कि पिछली फाइट को जीतने के बाद मिक्की को उस पर भरोसा हो गया होगा, इसलिए वो उसके वापस आने का इंतजार कर रहा होगा, लेकिन ये सब देखकर अब वो बहुत दुखी हो जाता है। डिक्की को जिम से बाहर जाता देखकर एलिस मिक्की से कहती है कि हम तेरी फैमिली हैं और डिक्की ने ही तुझे बॉक्सिंग सिखाई है। वो कहती है कि डिक्की के गाइडेंस के बिना तू कभी लास्ट वाली फाइट नहीं जीत पाता और नेक्स्ट फाइट में भी तुझे जरूरत उसकी ही पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ वो जानता है कि तुझे कैसे ट्रेन करना है। अब ये बात जब ओकीफ और शार्लिन को पता चलती है कि मिक्की अपने भाई डिक्की से जेल में मिलने गया था और लास्ट फाइट में उसकी बताई हुई टेक्निक यूज कर रहा था, तो वो दोनों उसके बॉक्सिंग रिंग से बाहर चले जाते हैं और कहते हैं कि अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग तब तक मिक्की के साथ काम नहीं करेंगे जब तक कि डिक्की यहाँ से चला नहीं जाता, क्योंकि वो जरूर फिर से अपने ड्रग्स और लड़ाइयों के चक्कर में मिक्की को मुसीबत में डालेगा। और ये कहकर वो दोनों जिम से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एलिस मिक्की से कहती है कि डिक्की ने 8 महीनों से ड्रग्स को छुआ तक नहीं है और उसे एक बार अपने बड़े भाई को चांस देना चाहिए, जिसके बाद मिक्की डिक्की के साथ ट्रेनिंग करने के लिए मान जाता है। पर शर्लिन के जाने की वजह से उसे जल्दी ही डिक्की पे गुस्सा आने लगता है और वो ट्रेनिंग के दौरान अपने बड़े भाई डिक्की को सीरियसली पंचेस मार के नीचे गिरा देता है और अपनी माँ से कहता है कि अपनी फैमिली की ही तरह उसे ओकीफ और शर्लिन की जरूरत है और सिर्फ डिक्की की वजह से अब वो लोग मुझसे बात भी नहीं करेंगे। अब ये सुनकर डिक्की फिर से मायूस हो जाता है।
हालांकि वो अपने छोटे भाई का गुस्सा समझ रहा होता है, लेकिन वो चाहता है कि आखिरी बार उसका भाई उस पर विश्वास करे। खैर, उधर डिकी की बहनों ने उसके जेल से लौटने की खुशी में एक केक बनाया होता है, लेकिन मिकी से मार खाके डिकी अपना वेलकम केक लेकर जिम से बाहर चला जाता है और जॉर्ज उसे परेशान होकर आवाज लगाता है क्योंकि उसे लगता है कि डिकी फिर से क्रैक हाउस में जाकर ड्रग्स करने लगेगा। पर डिकी क्रैक हाउस में जाकर अपने पुराने साथियों को वो केक देकर आगे बढ़ जाता है और ड्रग्स नहीं लेता। इसके बाद वो सीधा शर्लिन के घर जाता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो ड्रग्स छोड़ चुका है और फिर कभी मिकी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। वो कहता है कि मिकी को मेरी कोचिंग और तुम्हारी जरूरत है और इस वक्त हम सबका उसके साथ रहना जरूरी है, वरना इस स्ट्रेस की वजह से वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हार जाएगा। पर तभी मिकी भी वहां आ जाता है जहां शर्लिन और डिकी कहते हैं कि अब वो सब साथ में रहेंगे, जिसके बाद दोनों भाई पहले से भी कहीं ज्यादा हाई ट्रेनिंग करने लगते हैं और मिकी वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइट के लिए रेडी होने लगता है। फाइट के लिए पूरी फैमिली लंदन जाती है जहां मिकी का सामना ब्रिटिश बॉक्सर से होता है। अब क्योंकि मिकी का अपोनेंट एक ब्रिटिश होता है और मिकी एक अमेरिकन होता है, इसलिए फाइट वाले दिन लंदन का क्राउड ब्रिटिश बॉक्सर को सपोर्ट करते हुए मिकी को डीमोटिवेट करने लगते हैं। पर डिकी उसे ये सब इग्नोर करके रिंग में ले आता है। मिकी का अपोनेंट एक बेहद ही एक्सपीरियंस्ड बॉक्सर होता है और वो पहले राउंड से ही मिकी पे हावी होने लगता है। 6th राउंड में वो बॉक्सर मिकी को पंच मारकर नीचे भी गिरा देता है, पर मिकी खुद को संभाल के वापस उठ जाता है। इसी बीच ब्रेक होता है और ब्रेक में डिकी उससे कहता है कि मिकी तुम मेरे छोटे भाई नहीं बल्कि मेरे बेटे जैसे हो। मुझे पता है कि बॉक्सर बनने का सपना तुमने इसलिए देखा क्योंकि मैं बॉक्सिंग करता था, लेकिन जब मैं चैंपियन नहीं बन पाया तो मैंने फैसला किया था कि मैं एक दिन अपने मिकी को दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉक्सर बनाऊंगा और इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन बॉक्सिंग की वजह से मैंने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए मुझे कोई काम नहीं मिला और तुमको आगे बढ़ाने के प्रेशर में मैं डिप्रेशन में आकर ड्रग्स लेने लग गया। लेकिन मेरे भाई आज वो दिन आ गया है, आज तुम वो करने जा रहे हो जो मैं नहीं कर पाया, और शायद मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं आज तुम्हारे जीतने के बाद जितना खुश होऊंगा उतना खुश मैं शायद तब भी नहीं होता जब मैं ये चैंपियनशिप जीत लेता, इसलिए चलो उठो और डिफेंस छोड़कर सीधा फाइट करो, उसे साबित करो कि तुम्हारा भाई क्या है और तुम क्या चीज हो। मेरे लिए ये चैंपियनशिप जरूरी नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों को साबित करके दिखाओ जो टीवी पर देखकर हमें कुछ और ही समझने की भूल कर बैठे हैं। मिकी कहता है कि हाँ भाई, मैं आपके लिए ये जरूर करूँगा, मैं ट्रॉफी जरूर जीतूंगा। तभी डिकी कहता है कि मेरी ट्रॉफी तो तुम हो मिकी, हाँ तुम ही मेरी ट्रॉफी हो। ये सुनकर मिकी काफी इमोशनल हो जाता है और फिर मौका मिलते ही पहले उस बॉक्सर को एक फेस पंच मारता है और उसके तुरंत बाद हेड और बॉडी पंचेस बरसाते हुए अपने अपोनेंट को नॉकआउट कर देता है, जिसके बाद रेफरी मिकी को विनर अनाउंस कर देता है और डिकी समेत उसके सभी फैमिली मेंबर्स रिंग में घुसकर उसे उठा लेते हैं और मिकी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाता है। डिकी अपने भाई मिकी को ऐसे उठा लेता है जैसे वही उसकी ट्रॉफी हो। लास्ट सीन में हम मिकी और डिकी को एक और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग में कैमरे के सामने बैठे हुए देखते हैं। अब एंडिंग टेक्स्ट में हमें बताया जाता है कि मिकी ने साल 2003 में शर्लिन से शादी कर ली और डिकी आज उसी शहर के जिम में फुल टाइम बॉक्सर्स को ट्रेन करता है। और इसके बाद फाइनली हमें दोनों भाइयों की रियल फुटेजेस दिखाई जाती हैं, जो कैमरे के आगे अपने बॉक्सिंग के दिनों के किस्से सुना रहे होते हैं। दोस्तों, ऐसी ही और भी मूवीज हमारे चैनल पर हैं, इसलिए उनको मिस मत कीजिए और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए ताकि कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।